हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन केसरी। तो देखिए, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिंगोनियम के प्लांट की। हम सर्दियों में कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उसकी देख रेख रख सकते हैं, उसको हम जो है सिंगोनियम प्लांट को हम आउटडोर रखें या इंडोर रखें सर्दियों में। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे यहाँ पर सिंगोनियम प्लांट, जो कि मैंने यहाँ पर कई वैरायटी इकट्ठी की हुई है सिंगोनियम प्लांट के, अपने गार्डन में लगाई हुई है। यहाँ पर ये पिंक सिंगोनियम है। इसकी जो लीव्स होती है वो पिंक और ग्रीन कलर में निकलती हैं, और ये ग्रीन कलर की है जो कि वाइट और ग्रीन निकलती हैं इसकी लीव्स। और ये भी मैंने पिंक कलर की जो कटिंग्स लगाई थी, तो ये वो है, और अच्छे से बहुत ही ग्रोथ भी कर रही हैं। इसमें नई लीव्स भी काफ़ी निकली हुई हैं। तो ये पिंक सिंगोनियम है यहाँ पर, और फ्रेंड्स यहाँ पर ये बिल्कुल ग्रीन सिंगोनियम है। इस पर कोई शेड नहीं है, ये ग्रीन वाला सिंगोनियम का प्लांट है जो बिल्कुल ग्रीन निकलता है। मैंने इसके मेरे पास इसका प्लांट था, तो मैंने इसकी छोटी सी कटिंग यहाँ पर भी लगा दी, तो अच्छे से ग्रोथ कर रही है इसकी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सिंगोनियम प्लांट को नवंबर के महीने में ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप सिंगोनियम प्लांट को बिल्कुल ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। इसको बहुत ही आसान होता है, इजी होता है इसको ग्रो करना। तो आप सिंगोनियम प्लांट को बिल्कुल ग्रो कर सकते हो। आप इसको जो है नर्सरी से लेकर आना चाहो तो बिल्कुल नर्सरी से भी लेकर आ सकते हो, और इसको कटिंग से भी ग्रो करना चाहते हो तो बिल्कुल कटिंग से ग्रो कर सकते हो सिंगोनियम प्लांट को। पर आप इसको जो है शेड एरिया में रखें, आउटडोर ना रखें, क्योंकि अगर आप आउटडोर रखोगे अपने प्लांट तो ठंड इतनी होती है कि आपके प्लांट जो हैं वो उनकी लीव्स बेकार हो जाएगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो आपके प्लांट्स को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने प्लांट को इंडोर बचा कर रखें ठंड से, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है अपने प्लांट्स को बचा कर रखना, वरना आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें पानी की, कि पानी हम इसमें कितना दें कितना ना दें ठंड के मौसम में। तो आप इसमें सिर्फ हल्का मॉइस्चर बना कर रखें, इसमें पानी आप ज़्यादा मत दें। अगर आप इसमें ज़्यादा वाटरिंग करोगे तो आपके प्लांट जो है नीचे ही सड़ने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक कटिंग लगी हुई थी, हरी तो ये है पर जो है ज़्यादा पानी की वजह से ये बेकार हो गई है यहाँ पर। तो आप इसमें बिल्कुल हल्का मॉइस्चर बना कर रखें अपने पॉट की, बस हल्की मिट्टी गीली होनी चाहिए, पर ज़्यादा इसमें वाटरिंग ना दें, क्योंकि सर्दियों में जब हम एक बार पानी देते हैं अपने प्लांट में तो वो ही काफ़ी दिनों तक ठहरा रहता है, वो सूखता नहीं है जल्दी से। तो आप सर्दियों में पानी की बहुत ही अच्छे से देख कर तब अपने प्लांट्स में पानी डालें, या आप मिट्टी चेक करके भी इसमें पानी डाल सकते हो। अगर आपकी मिट्टी सख्त हो चुकी है नीचे से और ऊपर से गीली है तो भी आप इसमें पानी डाल सकते हो, वरना आप चेक करके मिट्टी को तभी इसमें पानी डालें, वरना आपका प्लांट खराब हो सकता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिंगोनियम प्लांट में खाद की, कि हम खाद इसमें कौन सा डालें, सर्दियों में कैसे डालें, कैसा ना डालें। तो आपके पास फ़िलहाल जो भी खाद उपलब्ध हो आप इसमें डाल सकते हो सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हमारे प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं, थोड़ी उनकी ग्रोथ कम होती है, तो इन प्लांट्स को जो है खाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप अपने प्लांट को जो भी आपके पास खाद उपलब्ध हो आप डाल सकते हो, जैसे कि DAP खाद डाल सकते हो, गोबर खाद डाल सकते हो। आपके पास जो भी उपलब्ध है आप अपने प्लांट्स के अंदर डालते हो, तो आप बिल्कुल अपने प्लांट्स में डाल सकते हो खाद। सिंगोनियम प्लांट की फ्रेंड्स जो बहुत सी वैरायटी आती है, ये बहुत से कलर में आता है, तो आप कोई भी इसकी वैरायटी लेकर, कोई भी कलर लेकर जो है आपको जो पसंद है तो आप अपने गार्डन में उसको बिल्कुल ऐड कर सकते हो नवंबर के महीने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है सिंगोनियम प्लांट। इसकी केयर भी बहुत ही आसान होती है, इतना इजी तरीके से प्लांट चलता है बहुत ही ज़्यादा। तो आप सिर्फ इसको इंडोर रखें, आउटडोर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप इसको इंडोर रखोगे, अगर आउटडोर आपने रख दिया, तो इसकी पत्तियां जो हैं झुलस जाती हैं, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है ऐसे यहाँ पर। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया था धूप में, तो ऐसे ही इसकी पत्ती जो है धूप में बेकार हो गई। तो आप
अपने प्लांट्स को बाहर बिल्कुल भी ना रखें। कुछ ठंड नाइट में ठंड हो रही है और दिन में जो है तेज़ धूप निकल रही है, तो उससे हमारे प्लांट को प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने प्लांट को आउटडोर रखें और अपने प्लांट्स का अच्छे से ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी सिंगोनियम प्लांट को लेकर। आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।